मदद ले सकते हैं। मैं चलो कर लेते हैं। हाँ माँ को फोन किया कि मम्मी मैं तुम्हारा दिन से बैठा था। मम्मी बोला कि ठीक है कर दो। मम्मी ने पूछा कैसे करोगे? अरे पता है कर लेते हैं कुछ भी। वहाँ से तुम्हारा बेटा नौटंकी है, तुम कहते हो तो मीडिया लाइन में है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो मम्मी ने कहा कि जा वही कर जो तू सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, नौटंकी कर। तो मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कहता है आपके समक्ष यहाँ कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि एनिमेशन लाइन पे आज से कुछ 5-6 साल पहले किसी को कुछ पता नहीं था कि एनिमेशन लाइन होती क्या है, क्या है क्या नहीं है। सब लोगों को एक ही चीज़ पता थी कार्टून मिकी माउस और वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक 5-6 साल पहले सबकी होड़ लगी कि चलो एनिमेशन करते हैं। और हमें भी पता चला कि एनिमेशन जैसी कोई चीज़ होती है, हम भी आ गए थे। अब ये जो फिल्मी हस्तियाँ हैं ये कभी पीछे नहीं रहते, ये कहते हैं कि चलो ये कहे एनिमेशन में जाए, वीर कहे एनिमेशन में जाए, फटके का एनिमेशन में जाए तो हम वो एनिमेशन में जाए। तो वैसे करते करते सारे अमूमन बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस एनिमेशन इंडस्ट्री में आ गए। सबसे ज़्यादा आए राना स्टूडियोज में और आके उनकी प्रतीक शुरू हो गई मेघना विजय शुरुआत हुई कि हाँ ऐसी कोई बात है कि एनिमेशन इंडस्ट्री का जरूरत है तो आप आ जाइए। तो एक एक करके सारे आ गए, सबकी अमूमन भर्ती हो गई। लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह उनका प्रोसेस हो गया। अब गब्बर ने हाथ काट दिए थे मॉडलिंग कर नहीं सकते। हम वैसे मॉडलिंग कर सकते जो यार यूं यूं बिना हाथों के रैम में चलना वो ठीक है, लेकिन मॉडलिंग एनिमेशन रिगिंग वगैरह जो भी है उनका देख खराब था एक्चुअली। तो विजय ने बोला सॉरी आप तो आ नहीं सकते। उन्होंने कहा गब्बर के लिए सिर्फ मेरे पैर ही काटे थे, एनिमेशन इंडस्ट्री में आने के लिए मैं पैर के भाव से ना लूंगा। तो विजय ने कहा कि ये तो बड़ा अटपटा सा होगा कि आप पैर से काम करेंगे, क्लाइंट आएगा तो हम कहेंगे क्या? दुनिया टीवी चलती है आप यूं पुठे कर रहे हो और प्रथम पंजाबी में प्रथम उल्टा। तो ये काम करो उसे आप प्रोडक्शन में डालो। अब फिर किसी का भाई दो भाई तो खरी करनी होती थी नहीं है, बस मुंह चलाना होता था। तो जी कहा कि विजय चलो आपको रख लेते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पर हट गए। बाकी और दो बंदे थे जिनकी बड़ी बुरी थी हालत, हमारे देवानंद भाई साहब आया। आप सबको पता है कि वो बड़े हिले में चल रहा है। पैदा होते ही नर्स ने पूछा था, मतलब उसकी उनकी मम्मी ने नर्स से पूछा था क्या हुआ है। हाँ टेढ़ा पैदा हुआ है, जब से पैदा हुआ हिले ही जा रहा है और 85 साल बाद अब भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी और उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ भाई साहब हिले जा रहे। तो भाई साहब आए विजय आप क्या आप मैं रहा पता हूँ विजय आई ना अब यहाँ तो रेलवे स्टेशन खड़ा है।
इंटरव्यूज में तो आना तो था ही, आके बैठे। मैंने इससे पहले आपके मेरा नाम तो सुना ही होगा, हसीनों के दिल का गद्दा था चौधरी मेरा नाम। रेज्यूमे में तो कुछ और लिखा है। तो क्या ये बात है कि माँ बाप ने कर पता देरी वादन, लेकिन हसीना मुझे बड़े प्यार से जॉनी कहती है। तुम भी मुझे जॉनी कहती कहती हो क्योंकि तुम बड़ी ही खूबसूरत हो। अब हमारे लिए वहाँ पे बैठे थे इस बार सबको बड़ी गड़बड़ मची थी, कौन से डिपार्टमेंट में ले थे देवानंद काम नहीं होता। सबको परेशानी आ गई, अब कोई आके बोला कि फिर से वही जो विजय पाके बोला था कि गलत हो ये प्रोडक्शन वाला काम है, वो या तो भाई डाल रेंडरिंग में डालता हूँ, उसमें बटन दबाना होता है, वर्टेक्स कुछ नहीं हिलाना होता है, बटन दबाना होता है भाई, यहाँ से धुआं करता चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर देवान को रेंडरिंग में डाल दिया गया। एक दुनिया में सबसे हिले हुए किरदार है रतन रीएम्बर्स, वो हिले हुए नहीं बड़े ढीले से कैरेक्टर है। तो वो आके बोले मुझे रख लो ना। विजय ने बोला ये जो आइटम खड़ाड़ी है, मतलब खड़ा है कि खड़ी है पता नहीं, इसे जाना तो नहीं है प्रोडक्शन में, लेकिन दिखता ये आर्टिस्ट है, समझ गए बात, दिखता आर्टिस्ट है किसके पास सबसे ज्यादा आर्टिस्ट लड़के हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा लड़के हैं वहां पे। तो विजय कंफ्यूज हो गए कि कहाँ डाले, देखो ना देखो मैं भी बहुत अच्छा करूंगा ना, प्लीज डालो ना। लेकिन बात कुछ बनी नहीं, तो उनको बोला है कि सबको तो लग नहीं सकते, आप जरा निकल जाइए। तो बड़े दुखी हो गए, वो चले गए। साल बीता, दो साल बीता, अचानक एक अजीब सी प्रलय जैसी चीज आई जिसका नाम था रिसेप्शन। हाँ बेटा हंस रहे हो, धरती लेने में बड़े होते हो किसी किसी नाम को लेकर। तो रिसेप्शन आई, फिर आस पड़ोस में लोगों के प्रेशर ये बला फलाना ठिकाना एंड इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे। अब देखा सब कुछ चलो बोलो कि नहीं, बस सब लोग दिल में हाथ रखे बोलो हो रहा है, बात करो कि नहीं नहीं यहाँ पे कांग्रेस है विजय है। तो मुद्दा आया स्टेशन का, मुद्दा आया इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज उठानी शुरू की। फिर धन्यवाद आए